नमस्कार, मैं बॉबी झा, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए पहले ममता बनर्जी ने हाँ कहा, फिर ना। जानिए क्या है मामला, आखिर क्यों बदला ममता बनर्जी का मूड, अब नहीं जाएंगी मोदी के शपथ ग्रहण में। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं होगी। पहले समारोह में शामिल होने की बात करने वाली ममता के मूड में बुधवार को ट्विस्ट आया। उन्होंने बीजेपी पर शपथ ग्रहण में सियासत का आरोप लगाते हुए कहा कि अब वह इस कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बनेगी। ममता ने बयान जारी कर कहा कि शपथ ग्रहण लोकतंत्र की महत्वपूर्ण परंपरा है, लेकिन इसे राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ममता ने पीएम मोदी को लिखे पत्र को अपने ट्विटर अकाउंट पर भी शेयर किया है। इसके साथ ही केरल के मुख्यमंत्री विजयन ने भी शपथ में शामिल न होने की बात कही है। ममता बनर्जी ने ट्विटर पर लिखा, लोकतंत्र के उत्सव का जश्न मनाने के लिए शपथ ग्रहण एक पवित्र मौका होता है। यह ऐसा मौका नहीं है जिसमें किसी दूसरी पार्टी को महत्वनीय बनाने की कोशिश की जाए। उन्होंने जीत की बधाई देते हुए शपथ ग्रहण में शामिल होने से इनकार कर दिया। पत्र में ममता ने लिखा, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपको बधाई, संवैधानिक आमंत्रण पर मैंने शपथ ग्रहण में शामिल होने का फैसला किया था। मोदी के शपथ ग्रहण समारोह के लिए तरह तरह के पकवानों की तैयारी की जा रही है। नरेंद्र मोदी गुरुवार 30 मई को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। राष्ट्रपति भवन में होने वाले इस समारोह में 6000 से ज्यादा मेहमानों के होने की उम्मीद जताई जा रही है। जो लोग इस समारोह का हिस्सा होंगे उसमें देश विदेश के तमाम हस्तियां शामिल हैं। विपक्षी दल के बड़े नेता, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी राज्यों के राज्यपाल, भाजपा के वरिष्ठ नेता, संसद में दोनों सदनों के सदस्य सहित तमाम लोगों को न्योता भेजा जा रहा है। पूर्व में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति रह चुके लोगों को भी आमंत्रित किया जा रहा है। पीएम मोदी का शपथ ग्रहण राष्ट्रपति भवन के बाहरी प्रांगण में होगा। मुख्य भवन में प्रवेश करने के लिए एक भव्य रास्ता बनाया जाएगा। यहीं से समारोह में आने वाले दूसरे अतिथियों का स्वागत किया जाएगा। कार्यक्रम के लिए 6 फुट का ऊंचा स्टेज बनाया जा रहा है। अनौपचारिक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर है जिन्हें इस पूरे कार्यक्रम की जिम्मेदारी दी जा रही है। इसमें संसदीय कार्य मंत्रालय, सूचना और प्रसारण और अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री से जुड़े लोग हैं। शाम 7 बजे कार्यक्रम शुरू होना है। कार्यक्रम की समाप्ति के बाद करीब 600 लोगों को राष्ट्रपति भवन के भीतर हाईटी के लिए आमंत्रित किया जाएगा। बाकी मेहमानों के खाने पीने की व्यवस्था राष्ट्रपति भवन के बाहर प्रांगण में की जाएगी। हाईटी में राजभोग और समोसा सहित तमाम व्यंजन होंगे। इसके बाद डिनर में शाकाहारी और मांसाहारी पकवान परोसे जाएंगे। भारत के पूर्व के देशों से आ रहे राष्ट्र अध्यक्ष के लिए खाने का खास ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि वहाँ खाना कम वरिष्ठ होता है। खाने में खास पकवानों में दाल रायसीना होगी। तो एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।